subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. लोधी कॉलोनी थाने में एक मामला दर्ज हुआ था जिसमें चार लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और दिल्ली पुलिस ने 419 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बरामद किए थे। उसी सिलसिले में उन चार लोगों को कोर्ट में पेश किया गया और उनकी एक दिन की पुलिस कस्टडी ली गई। उस पुलिस कस्टडी के बाद उन लोगों से पूछताछ करने पर यह पता चला कि खान मार्केट में कुछ रेस्टोरेंट है जहां पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर स्टोर्ड है। कल रात को हमारी टीम ने एक रेड की टाउन हॉल रेस्टोरेंट में, जहां से 9 कॉन्सेंट्रेटर्स और बरामद हुए और उसके बाद हमारे पास और इन्होंने डिस्क्लोज किया कि और भी कॉन्सेंट्रेटर स्टोर है। एक खान चाचा करके रेस्टोरेंट है वहां पे, तो हमारी टीम वहां पे भी गई और वहां 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स स्टोर्ड मिले। टोटल ऑल इन ऑल 524 कॉन्सेंट्रेटर्स की अभी तक रिकवरी हो चुकी है और भी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। रुक जा अभी। ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जो थे, ये एक कंपनी थी जिन्होंने इंपोर्ट किया था और ये चाइना से इंपोर्ट हो रहे थे। 16,000 से लेकर 22,000 तक इनका कॉस्ट होता था। कुछ कॉन्सेंट्रेटर्स 5 लीटर के थे, कुछ कॉन्सेंट्रेटर्स 9 लीटर के थे और फिर इन्हें यहाँ पे इंडिया में लाके मनचाहे दाम पे बेचा जा रहा था। कुछ कॉन्सेंट्रेटर्स को 50,000 51,000 पे बेचा जा रहा था, कुछ कॉन्सेंट्रेटर्स को 60,000, कुछ कॉन्सेंट्रेटर्स को 70,000 और 71,000 तक इन्होंने मनचाहे दाम पे बेचा है और उसको होल्ड भी कर रहे थे। ये सारे कॉन्सेंट्रेटर्स इन्होंने लास्ट ईयर अक्टूबर से इंपोर्ट करना शुरू किए और इस बार फरवरी में जब इनकी डिमांड और बढ़ने लगी तो और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स इम्पोर्ट किए गए, अलग अलग रेस्टोरेंट में स्टोर किए गए, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू इनको बेचा गया। उसके अलावा व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस सर्कुलेट किए गए कि इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को खरीदा जा सकता है। तो ऑल इन ऑल इन सभी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को सभी माध्यम से, चाहे वो व्हाट्सएप हो चाहे वो ऑनलाइन पोर्टल हो, बेचा गया और बहुत महंगे दामों में बेचा गया।